आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था और उसमें भी जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस थे, अच्छी संख्या में जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस आए भी थे और ज़्यादातर क्वेश्चंस का फोकस टेक्नोलॉजी वाले पार्ट पर था। जैसा अपन हमेशा बात भी करते हैं कि ट्रेडिशनल या ऐसे बात करें जनरल साइंस की बजाय यहाँ पर टेक्नोलॉजी से और टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस पर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन देखें कि भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई हम सैटेलाइट्स को किसी भी निश्चित कक्षा में छोड़कर आते हैं, जैसे लो अर्थ ऑर्बिट है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, या जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी, जो भी ऐसे ऑर्बिट्स हैं वहाँ पर हम अलग अलग ऊंचाइयों पर उपग्रह छोड़ने के लिए अलग अलग प्रकार के यान, जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स कहलाते हैं, SLV कह देते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल कहते हैं, इनके बारे में क्वेश्चन है। कुछ ऑप्शन दिए हैं और पूछा है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल उपग्रह प्रमोचित करने वाले यान। देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। PSLV द्वारा वे उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों के मॉनिटरन में उपयोगी हैं, जबकि GSLV को मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। अच्छा, एक बात यहां पर अपन बात करें कि देखो PSLV बोले तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल सामान्यतः ये पोलर सैटेलाइट क्या होते हैं, जैसे ये पृथ्वी है, बात करें हम ये पृथ्वी, तो पृथ्वी की ये पोल नॉर्थ पोल, ये इधर साउथ पोल, तो नाम क्या, देखो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, यानी ये जो ऐसे उपग्रह हैं जो पोल से पोल के बीच में, यानी एक ध्रुव से दूसरा ध्रुव और वापस उसी ध्रुवों के परित चक्कर लगाते हैं, पोलर सैटेलाइट कहलाते हैं या ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। इनको हम जिनके द्वारा भेजते हैं, यानी ये जो ऐसे ग्रह होते हैं जिनको हम उपग्रह, जिनको हम किसके द्वारा भेजते हैं, PSLV के द्वारा भेजते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। सामान्यतया ध्यान देना, ये जो PSLV होते हैं ये उपग्रहों को लगभग 600 से 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षाओं में स्थापित कर देते हैं। और अगर मैं बात करूं दूसरे GSLV की, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, तो देखें ये GSLV जो है ये पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर, भाई इनकी रेंज तो लगभग 600 से 700 किलोमीटर, लगभग इतनी ऊंचाई पर ये उपग्रहों को छोड़ देते। लेकिन ये जो GSLV होती है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाने वाली जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स तक सैटेलाइट को लॉन्च करने की क्षमता रखते हैं, इतनी ऊंचाई तक, और वो भी हैवी जो अंतरिक्ष उपग्रह होते हैं, यानी भारी उपग्रहों को प्रमोचित करने की क्षमता होती है। अब नॉर्मली अगर बात करें कि ये जो इन कक्षाओं में जो ये सैटेलाइट होते हैं 600 से 700 किलोमीटर वाले, ये नॉर्मली देखो थोड़ा सा अगर अपन बेसिक बात भी सोचें,
कि अगर हमें किसी भी जगह की जासूसी करनी है या किसी भी जगह के संसाधनों को पता करना है तो हम उसके जितने पास में रहेंगे उतनी आसानी से हम डिटेक्शन या मॉनिटरिंग कर सकते हैं। यानी जो ये पीएसएलवी या ऐसे कहूं कि ये जो कक्षाएं होती है निम्न अर्थ ऑर्बिट या लोअर अर्थ ऑर्बिट, इनमें जनरली हम ध्यान देना कोई भी जैसे मैपिंग से संबंधित या आपके अगर बात करें कोई भी दूर संचार सॉरी कोई भी जो सैन्य उपग्रह यानी जासूसी में लगे हुए उपग्रह या कोई भी जैसे जीपीएस वगैरह से संबंधित जो ये उपग्रह होते हैं, सामान्यतया इनको हम लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही रखते हैं। जैसे हम देखते हैं स्पेस ऑब्जर्वेटरी की बात करते हैं, जैसे इंडिया का एस्ट्रोसैट है, तो अंतरिक्ष में स्थापित किए जाने वाली चाहे तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो, चाहे स्पेस ऑब्जर्वेटरी हो, चाहे ये मैपिंग से संबंधित उपग्रह हो, चाहे जासूसी से संबंधित उपग्रह हो, या फिर पृथ्वी की सतह के अंदर संसाधनों का पता लगाने वाले कोई भी उपग्रह हो, उनको इन कम ऊंचाई वाली कक्षाओं में किसके द्वारा छोड़ते हैं? पीएसएलवी के द्वारा। और अगर बात करें दूर संचार और मौसम की जानकारी के लिए, ऐसे जो उपग्रह हम भेजते हैं वो 36,000 किलोमीटर ऊपर वाली कक्षाओं में किन की सहायता से भेजते हैं? जीएसएलवी की सहायता से भेजते हैं। तो पीएसएलवी जीएसएलवी दोनों अलग अलग रेंज पर ले जाते हैं उपग्रहों को। प्लस सेकेंड बात क्या होगी कि ये पीएसएलवी और जीएसएलवी की क्षमता भी अलग अलग होती है। पीएसएलवी थोड़ा कम पावर वाला है, जीएसएलवी ज्यादा पावर वाला है, ज्यादा ऊंचाई तक भारी उपग्रहों को ले जाएगा। जैसे अगर हम बात करें पिछले साल हमने देखा भी था चंद्रयान 2 जीएसएलवी मार्क 3 यानी जीएसएलवी का ही वर्जन है, मार्क 3 सबसे एडवांस्ड वर्जन, उसकी सहायता से हमने चंद्रमा के जो चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए हमने चंद्रयान 2 भेजा था, आंशिक सफल था वह। लैंडर की जो लैंडिंग में आपने पढ़ा भी होगा, लैंडिंग में प्रॉब्लम आ गई थी विक्रम जो लैंडर था उसकी, बट फिर भी अगर बात करें तो उसको भी हमने किससे छोड़ा था? जीएसएलवी से। पीएसएलवी से हमने कई महत्वपूर्ण अभियान छोड़े, मंगलयान पीएसएलवी से छोड़ा था, इंडिया की स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसेट पीएसएलवी से छोड़ी थी, इंडिया का जो रिकॉर्ड है 104 उपग्रहों को एक साथ छोड़ने का वो भी इस पीएसएलवी के नाम। तो हमने पीएसएलवी और जीएसएलवी का कब कब कहां कहां यूज करते हैं ये बात देखी। अब जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन में उनकी बात करते हैं। देखो, पीएसएलवी द्वारा वे उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों के मॉनिटरन में उपयोगी हैं। सही बात है, अब भी अपन ने जस्ट पढ़ा। जीएसएलवी को मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए अभिकल्पित किया गया। सही बात है, यानी ये इनके कार्य के बारे में पूछा कि ये कौन कौन से कार्य करने के लिए पीएसएलवी से कौन से सैटेलाइट भेजेंगे, जीएसएलवी से कौन से भेजेंगे। अगला देखते हैं, पीएसएलवी द्वारा प्रमोचित उपग्रह आकाश में एक ही स्थिति में स्थायी रूप से स्थिर रहते प्रतीत होते हैं, जैसा कि पृथ्वी के एक विशिष्ट स्थान से देखा जाता है। अब सुनना, पीएसएलवी अपन ने बात की अभी कि पीएसएलवी क्या करते हैं, इनसे छोड़े गए उपग्रह ये ध्रुवीय कक्षाओं में इस तरह पोल्स के ऊपर चक्कर लगाते हैं, यह सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, एक सूर्य स्थाई कक्षा उसमें छोड़कर आ जाते। लेकिन अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, पीएसएलवी का जैसे जैसे उपग्रह यहां चक्कर लगाता जाएगा, लगभग इनका जो आवर्तकाल बताएं पोलर सैटेलाइट्स का, ध्रुवीय उपग्रहों का आवर्तकाल लगभग 80 से 130 मिनट होता है, यानी पूरे दिन में ये कई सारे चक्कर लगा सकते। जब पूरे दिन में लगातार चक्कर लगा रहे हैं तो आप कैसे सोच सकते हैं कि हमेशा एक जगह दिखाई देंगे, लगातार चक्कर लगा रहे हैं। आप थोड़ी देर अगर पृथ्वी घूम रही है, आपकी स्थिति चेंज हो गई तो अब आपको ये ग्रह दिखेगा भी नहीं, फिर घूमकर अगर ये सामने इधर से आ गया चक्कर लगाता हुआ तो अब आपको यहां पर दिखाई दिया, पहले नीचे दिखाई दे रहा अब ऊपर दिखाई दे रहा। यानी पृथ्वी से पीएसएलवी द्वारा जो लॉन्च किए जाते हैं उपग्रह जिनको ध्रुवीय कक्षाओं में छोड़ा जाता है, कभी स्थिर नहीं दिखाई देते, उनकी स्थिति चेंज होती रहती। यानी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये यहां पर तो गलत आ गया,
ये कौन से ऐसे सैटेलाइट हैं जो पृथ्वी से स्थिर दिखाई देते हैं? वे सैटेलाइट जो भू स्थिर कक्षाओं में, देखो नाम ही क्या है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या भू स्थिर कक्षाएं, यानी पृथ्वी से जो स्थिर दिखाई देगा ऐसी कक्षाएं होती है जियो स्टेशनरी, जिनको या जिन ऑर्बिट्स तक पहुंचाने के लिए हम जीएसएलवी का प्रयोग करते हैं। पीएसएलवी का तो नहीं करते, पीएसएलवी वाले लगातार उनकी पोजीशन क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। यानी ये सेकंड स्टेटमेंट तो सही नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, जीएसएलवी मार्क 3, अभी जिसकी अपन ने बात की थी चंद्रयान 2 के लिए जिसको भेजा था, जीएसएलवी मार्क 3 एक 4 स्टेज वाला प्रमोचन वाहन है जिसमें प्रथम और तृतीय चरणों में ठोस रॉकेट मोटरों का तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों में द्रव रॉकेट इंजनों का प्रयोग होता है। थोड़ा सा गलत हो गया, जीएसएलवी की बजाय पीएसएलवी होता तो सही मान सकते थे, लेकिन जीएसएलवी की बात करें, जीएसएलवी 3 चरणों वाला रॉकेट, पहले में ठोस ईंधन, दूसरे में द्रव ईंधन और तीसरे में होता है क्रायोजेनिक इंजन होता है। हाँ, पीएसएलवी में जरूर कह सकते हैं कि पहला और दूसरा तो ठोस, तीसरा और चौथा क्या होगा, द्रव ईंधन वाला होता, लेकिन जीएसएलवी में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग करते हैं, इसीलिए वो इतनी ऊंचाई पर सैटेलाइट्स को छोड़ सकता है। यानी ये तीसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। जीएसएलवी में, फिर बता देता हूं, 3 चरणों में रॉकेट होता है, पहले चरण में ठोस ईंधन, दूसरे में द्रव ईंधन और तीसरे में क्रायोजेनिक इंजन। हाँ, साइड में कुछ स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगे हुए रहते हैं, आप देखते ना इस तरह से, अगर हम बात करें कि इस तरह से जीएसएलवी की बात करें तो इस तरह से ये रॉकेट दिखाई देता है और इसमें नीचे की तरफ यहां कुछ इस तरह से कई छोटे छोटे से ऐसे हमें रॉकेट जैसी संरचनाएं दिखाई देती, ये स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स होते। तो ठोस, द्रव और लास्ट में क्रायोजेनिक इंजन होता है जीएसएलवी में। पीएसएलवी में 2 ठोस और 2 द्रव चरण पाए जाते हैं। तो यहां पर हमने देखा जो स्टेटमेंट तीसरा भी क्या हुआ, गलत हुआ। क्वेश्चन में पूछा उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं। ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट तो सही, दूसरा और तीसरा गलत है। यानी केवल एक ही ऑप्शन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा जिसमें मुझे पहला ऑप्शन सही दिखाई दिया, और ये है आपका केवल एक, यानी ए ऑप्शन, सही ऑप्शन चला जाएगा ए, स्पेस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से बेस्ड क्वेश्चन था, क्योंकि ये पीएसएलवी जीएसएलवी का निर्माण जब 2018 में एग्जाम हुआ था तब काफी चर्चा चल रही थी चंद्रयान 2 के बारे में, लॉन्च नहीं हुआ था तब तक, लेकिन चर्चा खूब चल रही थी। और जब भी कोई ऐसी ज़्यादा किसी भी टेक्नोलॉजी पर चर्चा होती है, न्यूज़पेपर में कोई चीज़ ऐसे छाई रहती है, निश्चित रूप से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के अतिरिक्त नवाचार यानी एडिशनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन यानी रेटिफाई करने का निहितार्थ क्या है, मतलब क्या है? IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, ये क्वेश्चन बनने का जो कारण था, क्योंकि उस समय एक तो इंडिया और यूएसए के न्यूक्लियर डील की बहुत चर्चा हुई थी, प्लस भारत एनएसजी का मेंबर बना था, तो एनएसजी का मेंबर बनना, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर बनना, जो 45 देशों का समूह था, और इंडो यूएस जो न्यूक्लियर डील चर्चा में रही थी, इस वजह से यहां से क्वेश्चन बना। भाई जब भारत ने ये आईएई के जो अनुसमर्थन में एडिशनल प्रोटोकॉल किया था, जिसके तहत क्या हुआ था कि भाई हर देश के पास, देखो परमाणु शक्ति संपन्न देश जो होते हैं वो अपनी परमाणु शक्ति का प्रयोग दो तरह से कर सकता है,
शांतिपूर्ण प्रयोग यानी सिविलियंस के लिए, जैसे देखें कि परमाणु बिजली घर में हम बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, भाई उसके लिए भी हमें परमाणु ईंधन की तो आवश्यकता होगी। तो अगर परमाणु ईंधन से हमने बिजली घर में बिजली उत्पन्न की है, ये तो हो गया शांतिपूर्ण उपयोग। और अगर उसी परमाणु ईंधन से हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं, वो हो गया एक तरह से विध्वंसक प्रयोग हो गया। तो कई ऐसी संधियां हैं, जैसे सीटीबीटी की बात करते हैं, एनपीटी की बात करते हैं, इंडिया ने कई ऐसी संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किए, बिकॉज हमारा जो आसपास के जो देश हैं, सभी ज्यादातर, जैसे बात करें चाइना की, बात करें हम, बात करें पाकिस्तान की, परमाणु शक्ति संपन्न देश है। और ऐसे में अगर हम ऐसी संधियों पर, यानी परमाणु अप्रसार संधि जैसी संधियों पर हस्ताक्षर कर दें, तो कहीं ना कहीं हमारे जो हितों का नुकसान हो सकता है। इसलिए भारत ने ऐसी संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किया। भारत, एक भारत की जो सुरक्षा नीति के बारे में हमेशा कहा जाता है कि हम पहले परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर ध्यान देना, जो इंडो यूएस डील हुई थी उसमें कहीं पर भी हमारे जो, अगर हम बात करें कि किस तरह से सुरक्षात्मक रूप से जो हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करें, इसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हमने। लेकिन हाँ, जो हमारे परमाणु ईंधन का शांतिपूर्ण प्रयोग, यानी जहां पर भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह में जहां भी हम इनका प्रयोग करते हैं, उनका मॉनिटरिंग करने की जो अधिकार, या ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे उनको मॉनिटर करना, उनका परीक्षण करना, उनकी देखरेख करना, ये हमने आईएई के साथ क्या किया, शेयर किया। वो हमारे इन शांतिपूर्ण प्रयोगों वाले संस्थानों का मॉनिटरिंग कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो रक्षात्मक, या अपन कह सकते हैं कि हथियार के रूप में जो हम परमाणु हथियारों का विकास करेंगे, उस पर किसी की मॉनिटरिंग नहीं। हालांकि भारत इस देश को, भारत इस बात को लेकर हमेशा सभी को पूरा एक, ऐसे कह सकते हैं कि एश्योर करता है कि हम कभी भी पहले परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहां पर आईईए के साथ जो ये एडिशनल प्रोटोकॉल हुआ, जिसकी वजह से अब इस एजेंसी को हमारे जो शांतिपूर्ण जो प्रयोग करते हैं हम परमाणु ईंधन का, यानी बिजली घर वगैरह इनमें, इनके मॉनिटरिंग की उनको हमने क्या दे दी, एक तरह से क्षमता दे दी, या ऐसे कह सकते हैं उनको ये शक्ति दे दी कि मॉनिटरिंग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन दूसरे मामलों में दखलअंदाजी नहीं करी। और जैसे ही भारत ने ये आईईए के साथ ये जो ये एडिशनल प्रोटोकॉल हमने किया, रेटिफिकेशन किया, इसमें संशोधन किया, इसके बाद अब भारत के लिए एनएसजी का सदस्य बनने का रास्ता साफ हो गया। यानी कह सकते हैं ना कि किसी भी समूह का सदस्य बनने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना आवश्यक होता। तो जब भारत ने इस पर एडिशनल प्रोटोकॉल पर साइन किया, तो अब भारत एनएसजी का सदस्य बनने के लायक हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि अब एनएसजी का सदस्य बन ही गया, बनने के लायक हो गया। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। असैनिक परमाणु रिएक्टर आईएई के रक्षोपायों के अधीन आ जाते, वही जो अपन ने बात की कि ये जो असैनिक यानी परमाणु बिजली घर वगैरह, इनमें जो हम परमाणु ईंधन का प्रयोग करते हैं, अब इनकी मॉनिटरिंग करना, या इनके लिए जो भी भाई सुरक्षात्मक मानदंड वगैरह तय किए जाते। क्योंकि देखो, ठीक है परमाणु बम वगैरह एक बार साइड में कर दो, लेकिन जब परमाणु बिजली घर में भी कहीं से भी अगर परमाणु विकिरण या ऐसे परमाणु रेडियो एक्टिव पदार्थ अगर कहीं से भी लीकेज हो गए, तो आसपास के पर्यावरण को, मनुष्यों को नुकसान पहुंच सकता है। तो उनकी सुरक्षात्मक उपाय वगैरह, उनके जो मानदंड हैं वो निश्चित करना, और अब ये आईएई के अधीन आ गया। अधीन आने का मतलब ये नहीं कि उनके पास पूरा अधिकार चला गया। हाँ, वो मॉनिटरिंग कर सकते हैं, हमें सलाह दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं आपको ये नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो सही है, और यही पूछा कि निहितार्थ क्या है, बाकी और भी देख लेते। सैनिक परमाणु अधिष्ठान, मैंने कहा ना, हमारे सैनिक या जो हम डिफेंस में जो परमाणु हथियार बनाए, वो किसी के अधीन नहीं आए, यानी सेकेंड ऑप्शन गलत है। आगे देखा, देश के पास नाभिक पूर्तिकर्ता समूह एनएसजी से यूरेनियम के क्रय का विशेष अधिकार हो जाएगा, नहीं।
पहले आप एनएसजी के सदस्य बनोगे तभी आप इस प्रकार से यूरेनियम का परचेज कर सकते हो उन सदस्यों के साथ, समूह के सदस्यों के साथ। लेकिन मैंने एक बात बताया, जब इंडिया ने यह साइन कर दिया अब इंडिया एनएसजी का सदस्य बनने लायक हो गया था और वर्तमान में इंडिया एनएसजी का सदस्य भी है। जैसे बात की थी अपन ने, एनएसजी का सदस्य बनने के बाद क्या होता है कि उन समूह के सदस्यों के साथ क्या कर सकते हैं कि ये इस तरह से न्यूक्लियर जो ईंधन वगैरह होते इनकी सप्लाई या इनका आदान प्रदान किया जा सकता है और देश स्वतः एनएसजी का सदस्य बन जाता। नहीं, अभी इंडिया ने क्या किया, क्वालिफाई किया था उस समय जैसे ये साइन वगैरह हुए थे तो इंडिया अब एनएसजी का सदस्य बनने लायक हो गया था। यानी ऑप्शन केवल एक ही सही दिखाई दे रहा है, ए। थ्योरिटिकल क्वेश्चन था और उस समय मैंने कहा ना, चर्चा में खूब रहा था, खूब चर्चा में रहा था ये एनएसजी ग्रुप, इसलिए क्वेश्चन भी बना वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3D मुद्रण, 3D प्रिंटिंग का निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग होता है? भाई 3D प्रिंटिंग क्या होती है? भाई नॉर्मली अगर अपन बात करें 2D प्रिंटिंग अपन देखते हैं कैसे पेपर पर कुछ भी छपकर आ गया। कई बार जैसे हम क्या करते हैं, कभी जैसे गाड़ी के नंबर प्लेट पर रेडियम से नंबर लिखवाने, तो जब गाड़ी की नंबर प्लेट के लिए आप रेडियम नंबर प्लेट बनवाने जाते हैं तब देखना उनके पास एक मशीन होती है, उस कंप्यूटर से जुड़ी रहती है। कंप्यूटर में वो डिज़ाइन बनाएगा आपके, जो फॉन्ट्स आपको बताएगा कि कौन सा फॉन्ट चाहिए, किस साइज का चाहिए। आपने यस कर दिया, अब वो क्या करेगा, वो जो डिज़ाइन उसके कंप्यूटर में बनी हुई थी उससे जुड़ा हुआ प्रिंटर क्या करेगा, उसी डिज़ाइन में उस रेडियम की कटिंग कर देगा और वो रेडियम काटकर वहां से हटाकर वो आपके नेम प्लेट पर या गाड़ी के नंबर प्लेट पर चिपका देता है। ये तो 2D प्रिंटिंग हुई। 2D यानी दो विमीय या द्विविमीय प्रिंटिंग, जिसकी लंबाई भी है और कुछ चौड़ाई भी है। लेकिन अगर इसकी मोटाई हो जाए, यानी मोटे मोटे अक्षर हो जाए जिनकी कुछ लंबाई हो, कुछ चौड़ाई हो और कुछ गहराई भी हो, ये होती है 3D प्रिंटिंग। यानी जैसे ये पेन दिख रहा है, मुझे सेम ऐसे का ऐसा एक और पेन चाहिए तो 3D प्रिंटर से बना सकता हूँ। जरूरत क्या है कि इस पेन का निर्माण जिससे हो रहा है वो मुझे मटेरियल चाहिए बस, बाकी काम इसको इसका शेप देना, इसकी लंबाई देना, ये काम सब वो प्रिंटर कर लेगा। ये होता है 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर की अगर अपन बात करें, इसके काम करने का तरीका तो देखते हैं कि लेयर्स के ऊपर ये कुछ कुछ लेयर्स जमाता रहेगा, पदार्थ की लेयर्स जमाता रहेगा और आपको किसी निश्चित आकृति का कोई ना कोई सामान या कोई भी उपकरण आपको मिल जाता है। ये 3D प्रिंटर का कमाल है। अब क्वेश्चन में ये पूछा कि 3D प्रिंटर का उपयोग करके हम क्या क्या बना सकते हैं, देखते हैं। मिष्ठान्न की चीजें बनाने में, यानी खाने पीने की जो जैसे मिठाई या बेकरीज या कॉन्फेक्शनरीज होती हैं, जैसे आजकल देखते हैं ना जेली वाले कई ऐसे टॉफीज वगैरह आते हैं, उन जेलीज पर हम क्या देखते हैं कि कई कार्टून के जैसे इस तरह से चेहरे बने हुए आ जाते हैं, ये इस तरह से जेली बनी हुई आ जाती है। तो इस जेली का निर्माण देखो 3D है, इस जेली या जो भी वो टॉफी थी उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों है और उस पर कई डिजाइन बनाई हुई है। ये किसकी वजह से किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, 3D प्रिंटिंग की वजह से। यानी ये मिष्ठान की चीज़ें बनाना, ऐसे कॉन्फेक्शनरीज में ऐसी जो जेली वगैरह के पदार्थ होते इनका निर्माण हम चाहे जो डिज़ाइन आप कंप्यूटर में डालो उसी शेप में वो जेली बनाकर प्रिंटर से आ जाएगा। बस प्रिंटर में हमें वो मटेरियल डालना पड़ेगा जो कि जेली का मटीरियल है। आगे देखते हैं, जैव इलेक्ट्रॉनिकी कर्ण के निर्माण में बायो इलेक्ट्रॉनिक या बायोनिक ईयर की बात करते हैं। बायो इलेक्ट्रॉनिक मिलाकर क्या होगा, बायोनिक ईयर, बायोनिक कर्ण, बायोनिक कर्ण। यानी कुल मिलाकर ध्यान देना है क्या, प्रोस्थेसिस है। जैसे कई बार जैसे दुर्घटना में कान कट गया या कान पूरा पूरा डैमेज हो गया तो अब बिल्कुल सिलिकॉन जैसे पदार्थों की सहायता से बिल्कुल सेम इसी शेप का
इसी आकार का पहचान भी नहीं सकता कोई कि नकली कान। उस कान की डिजाइनिंग किसने की? ये 3D प्रिंटर ने, यानी बिल्कुल लेयर पर लेयर जमाते हुए सिलिकॉन से ऐसे हमने ऐसे ईयर या कर्ण का निर्माण कर लिया। तो ये बायोनिक ईयर भी 3D प्रिंटर से बन सकता है, सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं ऑटोमेटिव उद्योग। ऑटोमेटिव उद्योग में खासतौर से बात करें जैसे गाड़ियों वगैरह, इनके निर्माण, तो इनके निर्माण के लिए जो आंतरिक अपन बात करते हैं कि इंटरनल जो इसकी डिजाइंस वगैरह होती हैं, चाहे तो हैंडल हुआ, चाहे तो गियर का नोब हुआ, चाहे तो ब्रेक के पैडल हुए, चाहे तो सामने वाले डैशबोर्ड की डिजाइन हुई, अब इनको एक बार फिक्स करने के बाद कि भाई इस कार के अंदर की डिजाइन ऐसी रहेगी, उसके बाद 3D प्रिंटर की सहायता से उसकी मल्टीपल कॉपीज को जनरेट किया जा सकता है। यानी ऑटोमोटिव जो उद्योग होते हैं उनमें भी उपयोग है 3D मुद्रण का, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट देखें पुनर्निर्माणकारी शल्य कर्म में, यानी जो कई बार जैसे मैंने कहा ना खोए हुए अंगों का निर्माण करना, जैसे उंगली कट गई, पूरी डैमेज होकर कट ही गई, अब यहाँ पर नकली या ऐसे कहें कि प्रोस्थेसिस बनाने में भी ये 3D प्रिंटर सहायक होगा, हमें बस उसकी डिजाइन डालनी है। या फिर कई बार क्या होता है, देखो पुनर्निर्माण कार्य शल्य क्रम, दांत टूट गया, टीथ निकाल दिया, किसी भी रीजन से हो सकता है कि भाई वहां पर कुछ इन्फेक्शन हो गया, दांत निकाल दिया, अब उसकी जगह आर्टिफिशियल दांत बनाना है जिसका कलर भी बिल्कुल आपके दांत के जैसा ही होगा, तो ये जो हम बनाते हैं इस तरह से प्रोस्थेसिस यानी ऐसे कृत्रिम अंगों का निर्माण, ये भी किससे संभव है? इस 3D प्रिंटर से। बस जरूरत क्या है कि हमें वो मटेरियल डालना है, चाहे सिलिकॉन हुआ, चाहे जेली हुआ, चाहे कुछ भी दूसरा पदार्थ। नेक्स्ट देखते हैं दत्त यानी डेटा संसाधन प्रौद्योगिकी में, यानी जो डेटा प्रोसेसिंग वाली जो टेक्नोलॉजी है, कई बार जैसे छोटी छोटी सिलिकॉन चिप वगैरह के निर्माण में, इनके निर्माण में भी 3D प्रिंटर बहुत सहायक होते, यानी सारे कार्य जो ये है मिष्ठान की चीज़ें बनाने में, बायोनिक्स में, ऑटोमोटिव में, शल्य कर्म में और ये डेटा प्रोसेसिंग में, सभी में 3D प्रिंटर आवश्यक होता है, महत्वपूर्ण होता है। और ऐसा ऑप्शन मैं देख पा रहा हूँ, केवल ये लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है जिसमें सभी चीजें पॉसिबल है, यानी ऑप्शन सही क्या चला जाएगा, डी 3D प्रिंटिंग अक्सर चर्चा में रहता है। अब आजकल तो 4D प्रिंटिंग की भी बात होती है। 4D प्रिंटिंग में क्या होता है, कोई भी वस्तु समय के साथ अपना शेप चेंज कर सकती है, वो होती है 4D प्रिंटिंग। ठीक है, 3D में तो केवल लंबाई चौड़ाई और गहराई भी होती है, त्रिविमीय, 4D समय के साथ चेंज भी होता जाएगा शेप। नेक्स्ट बात करते हैं IRNS, अगेन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन आया और उस समय इस IRNSS की काफी चर्चा चल रही थी। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, देखते हैं कि भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इस पर क्वेश्चन पूछा है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं कथन क्या क्या है। IRNSS के तुल्यकाली जियो स्टेशनरी कक्षाओं में 3 उपग्रह हैं, जबकि और भूतुल्यकाली जियो सिंक्रोनस कक्षाओं में 4 उपग्रह। ये बात सही है भाई, इंडिया ने खुद का रीजनल नेविगेशन सिस्टम, देखो नाम क्या है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। कॉमन सी बात करें, हमारे मोबाइल में होता है GPS। ये GPS क्या करता है, कई काम कर सकता है, लोकेशन दे सकता है, आपकी ट्रैकिंग कर सकता है, या मैप किसी का आपको दिखा सकता है पूरे वर्ल्ड का। यानी हो क्या रहा है, ये GPS किसका डेवलप किया हुआ है, अमेरिका के द्वारा, USA के द्वारा। USA ने इसका डेवलप किया खुद के पर्पस के लिए, खुद के फायदे के लिए, लेकिन कुछ भाग इसके वो दूसरे देशों के साथ भी शेयर करता है। लेकिन GPS में लाइव लोकेशन कोई भी ऐसे डिस्प्यूटेड जगह की अमेरिका किसी के साथ शेयर नहीं करता है भाई। एक तो हो गया लाइव लोकेशन, लाइव लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लाइव लोकेशन से हमें बॉर्डर पर क्या हलचल हो रही है ये हमें अभी पता चल जाता है। तो ऐसी जो विवादास्पद
या ऐसे कोई भी जहां पर डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है, ऐसी चीजें वो शेयर नहीं करता। तो जीपीएस की सहायता से हम हमारे मोबाइल में देखते भी हैं कि हमने उबर बुक की, उबर वाला कार वाला कितनी दूर है हम देख सकते हैं, वो जीपीएस की वजह से होता है। जोमेटो से हमने खाना ऑर्डर किया, वो खाना ला रहा है, कब वो रेस्टोरेंट पे पहुंच गया, कब वो उस पर चलता हुआ हमारे पास आ रहा है, हमें वो मैप पर दिख जाता है। तो ये कई उपयोग हैं जीपीएस वगैरह के। तो ये जो जीपीएस सिस्टम होता है, किसी भी जगह की लाइव लोकेशन देखना या वहां पर क्या हो रहा है ये सबकी मॉनिटरिंग करना, ट्रैकिंग करना, मैप देखना, ये दो प्रकार के सिस्टम हो सकते हैं। एक तो होता है ग्लोबल, जैसे जीपीएस का नाम ही क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये जीपीएस पूरी अर्थ को कवर करता है। और दूसरा होता है रीजनल नेविगेशन सिस्टम। रीजनल यानी किसी क्षेत्र विशेष की, पूरी अर्थ से हमें मतलब नहीं। हम तो हमारे भारत के आसपास भारत की सुरक्षा कर लें, भारत की सीमाओं को लगातार वहां की लाइव लोकेशन देख सकें, ये हमारा मकसद था इस IRNSS के पीछे। तो हमने कई सैटेलाइट्स छोड़े, जियो सिंक्रोनस में भी, जियो स्टेशनरी में। और फ्यूचर में हमारा क्या प्लान है कि हम इसकी और क्षमता बढ़ाएंगे और इसको लगभग पूरे सार्क देशों को कवर करते हुए कुछ आसियान देशों तक भी हमारी पहुंच होगी। तो इंडिया का सिस्टम जो है वो रीजनल है, केवल हम देश और हमारे देश से लगभग 1500 किलोमीटर तक की रेंज को कवर कर सकता है, यानी हमारे भारत की भूमि से 1500 किलोमीटर तक का पूरा एरिया ये IRNSS के सैटेलाइट कवर करके हमें वहां की लोकेशन की जानकारी दे सकते। तो देखते हैं इसके बारे में क्या क्या स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट सही है, हमने ऐसे जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस कक्षाओं में, हमने जैसे जियो स्टेशनरी की बात करूं तो 3 और जियो सिंक्रोनस की बात करूं तो 4 सैटेलाइट हमने वहां छोड़े, जो लगातार हमें इंडिया के इस भूभाग की हमें लाइव तस्वीरें भी देते। तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन जो है वो तो सही है, पहला ऑप्शन तो हमने देखा ये तो सही है। सेकेंड क्या है, IRNSS की व्याप्ति संपूर्ण भारत पर और इसकी सीमाओं के लगभग 5,500 वर्ग किलोमीटर बाहर तक है, ये गलत है, केवल 1500 किलोमीटर की रेंज तक ही है। ठीक है, ये 5500 की वजह से ये गलत हो गया स्टेटमेंट। और थर्ड क्या है, वर्ष 2019 के मध्य तक भारत की पूर्ण वैश्विक व्याप्ति के साथ अपनी उपग्रह संचालन प्रणाली होगी। पूर्ण वैश्विक व्याप्ति नहीं है, केवल रीजनल नेविगेशन है, वो भी सार्क देशों तक, और वो भी 2019 तक तो पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अगर बात करें कि ध्यान देना, अभी हम इसकी क्षमता और बढ़ा रहे हैं, सार्क देशों को पूरा कवर करेंगे हम। और ये ध्यान देना, ये रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, पूर्ण वैश्विक व्याप्ति नहीं है, ग्लोबल सिस्टम नहीं है, ये रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। यानी थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम देखते हैं कौन कौन सा ऐसा पेयर दिखा रहा है सही, कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। केवल एक ही सही है, ऐसा हमें केवल एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत में विकसित आनुवांशिक तह रूपांतरित सरसों, जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों, जीएम सरसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं क्या क्या कथन है, कि जीएम सरसों में मृदा जीवाणु के जीन होते हैं जो पादप को अनेक किस्मों के पीड़कों के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोध गुण देते हैं। जीएम सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं, यानी आसान बना देते हैं। और थर्ड है, जीएम सरसों का विकास IARI और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। अब इसमें देखो कुछ बातें, जीएम सरसों का जो डेवलपमेंट है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत वैज्ञानिक दीपक पेंटल, लिखते हैं DU के अंतर्गत, वैज्ञानिक दीपक पेंटल पेंटल के नेतृत्व में किया गया। पहली बात तो ये हो गई, यानी थर्ड ऑप्शन तो आपका हो गया गलत, कि विकास IARI और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय नहीं, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत किया गया। कौन थे वैज्ञानिक, दीपक पेंटल, यानी थर्ड ऑप्शन तो हो गया गलत। अब ध्यान देना, जीएम सरसों बनाने की जरूरत क्यों पड़ी,
सरसों में क्या होता है, सामान्यतः स्व परागण होता है। यानी अगर मैं बात करूं, जैसे ये सरसों का फूल है, ये सरसों का मान लिया फूल है, तो इसमें क्या होगा, इसी के नर युग्मक, इसी के मादा युग्मक को निषेचित कर देंगे। यानी एक ही पौधे पर नर युग्मक मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट यानी मादा युग्मक को निषेचित कर देंगे, फर्टिलाइज कर देंगे। जबकि दूसरे पौधे के साथ यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो इन्होंने जीएम सरसों में क्या किया, सॉइल बैक्टीरिया के कुछ डीएनए के पार्ट को एडिट करते हुए इस क्रॉप को, इस सरसों को पर परागण के अनुकूलित बनाया। तो देखते हैं, अब हमारे पास देखते हैं कि जीएम सरसों में पहला ऑप्शन देख रहा हूं मैं, मृदा जीवाणु के जीन होते हैं, सही बात है, जो पादपों को अनेक, जो पादप को अनेक किस्मों के पीड़कों के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोध गुण देते हैं। नहीं, पीड़क प्रतिरोध गुण के लिए हमने इसका डिजाइन नहीं किया है, हमने इसका डिजाइन किसके लिए किया है, ये पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, संकरण यानी दूसरे पौधे के साथ भी निषेचन कर सके। यानी केवल सेकेंड ऑप्शन मुझे सही दिखा है, पहला ऑप्शन भी सही नहीं है। तो अगर मैं ऐसे ऑप्शन देखता हूं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, पूछा भी यही कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, एक और तीन नहीं है, केवल दो, एग्जैक्टली केवल दो क्या है, ये सही है। यानी आंसर क्या चला जाएगा, बी, केवल दो सही है। तो डीयू के अंतर्गत दीपक पेंटल जीएम सरसों का डेवलपमेंट किया, ऐसे सॉइल बैक्टीरिया के इसमें डीएनए तो थे, लेकिन इसका जो मकसद था वो हमें कहीं पर भी, ऐसा नहीं था कि हम इसको कीड़क, जो ये पीड़क प्रतिरोधी गुणों से युक्त बनाए। हाँ, बीटी कॉटन का जो विकास किया गया था, बीटी कॉटन में ऐसे पीड़क प्रतिरोधी यानी कीटनाशी गुण पाए जाते हैं। तो ये हमने देखा कि जीएम सरसों का विकास किसके लिए किया गया, किस पर्पज से किया गया, इसकी हमने बात की। बाकी आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कभी कभी समाचारों में जो आने वाले शब्द हैं और वो किस संदर्भ में उनका प्रयोग समाचारों में किया जाता है, ये क्वेश्चन ऐसा वापस करंट अफेयर में जब भी आ जाता है ना कि समाचारों में आने वाले शब्द, दैट मीन्स किससे है, वह करंट अफेयर से ही संबंधित क्वेश्चन है। देखते हैं, बेल टू प्रयोग, और सामने दे रखा है कृत्रिम बुद्धि। ध्यान देना, बेल टू प्रयोग की बात करूं तो जापान में कंडक्ट किया जा रहा है, इससे पहले बेल प्रयोग किया गया। ये नाभिकीय जो कण होते हैं, मैसोन कण, उनसे संबंधित रिसर्च किया जा रहा है इस बेल प्रयोग के दौरान। और यहां सामने क्या दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि नहीं, ये तो नाभिकीय कणों, मैंने बताया ना, जैसे मैसोन कणों का अध्ययन करने के लिए बेल टू प्रयोग किया गया। यानी पहला पेयर तो सही नहीं है, ये तो पेयर सही नहीं है। दूसरा देखें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, रिसेंटली क्रिप्टो करेंसीज के बारे में हमने खूब पढ़ा, क्रिप्टो करेंसीज के दौरान जो भी लेन देन किया जाता है, जो भी जिस भी फॉर्म में इनका लेन देन किया जाता है, उसको एक तरह से लेजर के रूप में मेंटेन करना, भाई जैसे अपन खाता बही रखते हैं, सेम वैसे ही ऐसी आभासी या वर्चुअल जो करेंसीज होती है, क्रिप्टो करेंसीज, उनका जो लेन देन या उनका जो रख रखाव है वो हम कर सकते हैं ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो इसके सामने मैच किया गया डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो मुद्रा, ये वाला सही है। थर्ड हमने देखा क्रिस्पर कैस 9, भाई क्रिस्पर कैस 9 क्या है, ध्यान देना, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ये क्रिस्पर कैस या कैस 9 जो इसके आगे ऐड किया हुआ है, ये एक ऐसा टूल है जो कि किसी भी डीएनए में एडिटिंग कर सकता है, डीएनए में चेंज कर सकता है, डीएनए को परिवर्तित करने की क्षमता होती है इस क्रिस्पर कैस 9 में। इसको किससे मैच किया, देखें, कण भौतिकी, यानी ये कण भौतिकी नहीं, ये तो डीएनए के एडिटिंग से यानी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है,
यानी ये भी पेयर गलत है। हाँ, अगर बेल टू प्रयोग अगर इधर बोलता ना कण भौतिकी तो मैं सही कह देता, यानी केवल एक ही ऑप्शन है या एक ही मैच कर रहा है, कौन सा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी, ऐसा ऑप्शन मुझे एक ही दिख रहा है, ये सेकेंड कि केवल बी, ओनली बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ अगला क्वेश्चन बहुत लंबी लैंग्वेज थी, कई बार ऐसी लंबी लैंग्वेज देखकर आप घबराया ना करें, क्योंकि यूपीएससी में कई बार इतनी लंबी लैंग्वेज देने के बाद केवल उसका क्या कह सकते हैं निष्कर्ष एक लाइन में निकाल सकते हैं। देखते हैं लैंग्वेज क्या कह रहा है, कि जब सुबह आपके स्मार्टफोन का अलार्म बजता है तो आप उठ जाते हैं और अलार्म को बंद करने के लिए उसे थपकी देते हैं, जिससे आपका गीजर स्वतः ही चल पड़ता है। आपके स्नानागार में लगा स्मार्ट दर्पण दिन के मौसम को दर्शाता है और आपकी ऊपरी टंकी में पानी के स्तर का भी संकेत देता है। जब आप नाश्ता बनाने के लिए अपने रेफ्रिजरेटर से कुछ किराना सामान निकालते हैं, यह इसमें भंडारित सामान में आई कमी को जान लेता है और ताजे किराना सामानों की पूर्ति के लिए क्रियादेश दे देता है। जब आप घर से बाहर कदम रखते हैं तो दरवाजे पर ताला लगाते हैं, तब सभी बत्तियां, पंखे, गीजर, एसी, मशीनें स्वतः बंद हो जाती हैं। आपके कार्यालय के रास्ते पर आपकी कार आगे आने वाले यातायात की भीड़ के बारे में आपको चेतावनी देती है और वैकल्पिक रास्ते का सुझाव देती है, और यदि आपको किसी बैठक के लिए देर हो रही है तो यह उसके अनुसार आपके कार्यालय में संदेश भेजती है। यह आविर्भूत होती हुई संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में उपर्युक्त परिदृश्य के लिए निम्नलिखित में कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से लागू होता है। एक्चुअली मॉडर्न लाइफ में हम अभी तो चलो सब जगह तो ये अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन जो स्मार्ट होम की परिकल्पना है जिसमें हो क्या रहा है, ध्यान देना, आप वो ऐड देखते होंगे ना टीवी पर, एलेक्सा ये वाला गाना बजा दो, एलेक्सा ये कर दो, एलेक्सा वो कर दो, वो एलेक्सा एक छोटा सा वो स्पीकर जैसे अमेजन पर एलेक्सा मिलता है, या जैसे गूगल डॉट की भी बात करें वो भी एक छोटा सा स्पीकर, लेकिन वो स्मार्ट है। आप उससे बात करो, आप उसे बोलो कि ये फलाना फलाना गाना चला दो, वो गाना भी चला देगा, लेकिन वहाँ आसपास वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, वो भी तेज इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ऐसे स्मार्ट होम में कैसे, आप एलेक्सा को बोलो ये गाना चला दो तो वो गाना चला देगी, आप एलेक्सा को बोलो यानी वॉइस कमांड दो कि अंदर वाले कमरे की लाइट बंद कर दो, अब ऐसे नहीं कि उठकर वहां कोई जाएगा और स्विच को ऑफ कर देगा, नहीं, वो बल्ब भी अंदर वाला स्मार्ट बल्ब है, वो आपके मोबाइल से या जो एलेक्सा से जुड़ा है, एलेक्सा क्या करेगा, इंटरनेट के द्वारा ही, नेट से ही कमांड जाएगा और उसका स्विच ऑफ हो जाएगा। स्विच ऐसे ऑफ नहीं होगा, लेकिन वहां से पावर कट हो जाएगा, तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है केवल आपकी वॉइस कमांड से। आप जब घर से बाहर निकलते हो आपकी घर की सारी पावर एक तरह से कट हो जाती है, बंद हो जाती है लाइट, यानी अब आपको सोचने की जरूरत नहीं यार कि यार मैं कहीं गीजर चालू तो छोड़ के नहीं आ गया। और ये सभी पॉसिबल हुआ है 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से जिसे जाना जा रहा है, औद्योगिक क्रांति, 4th औद्योगिक क्रांति जिसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी कहते हैं, और अक्सर ये चर्चा में रहता है, अक्सर इवन जो हमारी नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी बनाई गई 2018 में उसमें भी इस IoT को फोकस में रखा गया, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स को, कि 2022 तक हमें सभी ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन देना है तेज गति वाला, जगह जगह वाईफाई हॉटस्पॉट लगाने और कई ऐसी डिवाइसों को, करोड़ों डिवाइसेस को आपस में इंटरनेट के द्वारा जोड़ते हुए सिक्योर भी रखना है। ये हमारी नेशनल जो डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी NDCP के नाम से जाना जाता है, पहले टेलीकॉम पॉलिसी होती थी, अब इसका नाम भी चेंज कर दिया हमने, जो टेलीकॉम कमीशन था उसका भी नाम चेंज करके डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन नाम रख दिया उसका। तो अब चेंज क्या हो रहा है कि अब हमारी लाइफ में इंटरनेट को भौतिक वस्तुओं से जोड़कर उनका स्वचालीकरण यानी ऑटोमेटिक तरीके से उनको चलाया जा रहा है। तो ये सभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स या औद्योगिक क्रांति 4th कहलाता है, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है।
पहली वो थी जो 1770 में जब मशीनों का आविर्भाव हुआ, उसके 100 साल बाद यानी करीब करीब 1870 के आसपास जब बिजली के द्वारा इन मशीनों के उत्पादन को भी बढ़ाया गया, और फिर 1970 में सूचना प्रौद्योगिकी की बारी आई, और अब ये जो चौथी औद्योगिक क्रांति है जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से जाना जाता है कि इंटरनेट के द्वारा सभी भौतिक वस्तुओं का संचालन करना, ये IoT या इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और ऐसा मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है ये बी IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आंसर क्या चला जाएगा? ये सेकेंड या बी चला जाएगा। क्वेश्चन इतना बड़ा था, लेकिन अब देखो इसके लिए भी हम जब टेलीविजन पर अगर हम जैसे एड भी देख रहे हैं, एलेक्सा का एड आ रहा, तो उससे हमें क्या सीखना है ये क्वेश्चन बताता है हमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। GPS तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है? GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS के द्वारा हम बात करें जैसे किसी भी व्यक्ति की लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं, लोकेशन चेक कर सकते हैं, नेविगेशन कर सकते हैं कि मुझे यहाँ से, अब आजकल क्या होता है, पहले तो हम कहीं दूसरे जगह पर एग्जाम देने जाते थे तो चार जनों से पूछते यार वो सेंटर कहाँ पर है, रेलवे स्टेशन से वो सेंटर कहाँ पर पड़ेगा। अब आजकल आप क्या करते हो, मोबाइल में GPS में डाला और चेक कर लेते हो कि वो स्टेशन से कितना दूर है, यानी आप नेविगेट भी कर सकते हो, खुद चलकर भी जा सकते हो। और देखें ट्रैकिंग, कोई भी वस्तु को ट्रैक किया जा सकता है GPS के साथ। आपका जोमेटो वाला व्यक्ति कितनी देर में खाना लेकर आएगा, आप उस जोमेटो ऐप को खोलकर देखोगे तो वो उस सड़क पर चलता हुआ दिखाई देता, उसकी बाइक चलती हुई दिखाई देती, ट्रैकिंग कर सकते हो। और भी देखें टाइमिंग यानी आपको एक बात और है, टाइम भी बता देता है लगभग, जैसे उबर आपने बुक की और वो कितनी देर में आएगा, यानी समय भी अप्रोक्सीमेट समय बता देता है, ये क्या है टाइमिंग। और एक और आ जाता है मैपिंग, यानी किसी भी स्थान का मैप देख सकते हो आप, मैपिंग को चेक कर सकते हो। ये पांचों जो सर्विसेज कौन देता है? GPS। और इन पांचों सर्विसों की बदौलत, पांचों सर्विसेज जो है, पांचों सर्विसेज इनकी बदौलत देखो, मोबाइल फोन प्रचालन ये तो सबको ही पता है कि मोबाइल में अपन यूज भी करते हैं, थोड़ा लेस नोन है यानी कम जानकारी होती है, लेकिन फिर भी ध्यान देना बैंकिंग में भी इनका प्रयोग होता है। किस तरह से ट्रैकिंग करना या टाइमिंग, जो टाइमिंग बेस्ड चाहे ट्रांजैक्शन की बात हो, चाहे किसी भी कोई भी अकाउंट से संबंधित कोई भी बात हो, टाइमिंग से रिलेटेड यानी बैंकिंग सेक्टर में भी GPS का यूज होता है। सुनने में क्या लगता है यार GPS, क्योंकि देखो आज तक हमने GPS का क्या प्रयोग किया, किसी रास्ते का पता करने में बस, तो ऐसा लगता है यार बैंकिंग और GPS क्या रिलेशन, नहीं टाइमिंग वाला फैक्टर भी है यहाँ पर, ये चेक करें आप। और आगे देखते हैं पावर ग्रिडों का नियंत्रण ये भी करते हैं, ऑटोमेशन, ऑटोमेटिकली उनका टाइम पर बंद होना चालू होना, ये भी GPS। देखो GPS को केवल ये मत मानना कि मैप के बारे में बता रहा, वो ये पांचों सर्विस देता है आपको, और जब आपको ये पांचों सर्विस के बारे में पता होता तो आप बता सकते हो कि हाँ बैंकिंग और पावर ग्रिड में भी इसका यूज होता है। यानी अगर मैं देखूं कि GPS तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में होता है, सब में हो सकता है। और ऐसा अगर देखें कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने, तो ऐसा मुझे एक ही कूट दिखाई दे रहा है, ये डी, जिसमें तीनों ऑप्शन आ गए डी। अगला क्वेश्चन देखें, किसी देश के नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह, देखो NSG से एक और क्वेश्चन आया कि भारत के लिए NSG इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों भारत के लिए NSG का समूह का सदस्य बनना इतना इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के सदस्य बनने का क्या क्या परिणाम है, इसकी पहुंच नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक हो जाएगी। बिल्कुल सही है, जो नाभिकीय सप्लायर ग्रुप जो है, नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह है, इसका अगर सदस्य बन जाता है कोई देश, तो अब उसको जो लेटेस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज फ्यूल वगैरह हैं उन सब तक उसकी अप्रोच हो जाती है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड देखते हैं, यह स्वमेव नाभिकीय आयुध अप्रसार संधि यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सदस्य बन जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का समूह का या इस संधि का सदस्य बनने के लिए आपको उस एनपीटी पर हस्ताक्षर करना जरूरी है। इंडिया ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो ध्यान देना इंडिया के लिए क्यों इतना अर्जेंट या क्यों इतना जरूरी हो गया कि हम एनएसजी का सदस्य बने, क्योंकि ध्यान में वो भारत का अब आगे टारगेट, जैसे अपन ने पेरिस में भी कॉप हुआ था उसमें भी अपन ने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया। हमारा टारगेट क्या है कि जो परंपरागत ईंधन है कोयला वगैरह लकड़ी वगैरह इन पर निर्भरता कम करना, तापीय बिजली घरों में जो कोयला जलाते उस पर भी कमी लाना, और बिजली का उत्पादन या जो भी टेक्नोलॉजी से यानी स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए बहुत जरूरी है परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करना। और परमाणु ऊर्जा का प्रयोग कर पाएंगे जब हमारे पास परमाणु ईंधन होता है, तो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है एनएसजी का ये सदस्य बनना। और इसीलिए यहाँ पर ध्यान देना एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ क्या हो जाती है, अप्रोच हो जाती है, आसानी से ये टेक्नोलॉजी आसानी से मिलने लग जाएगी। तो हमने जो टारगेट रखा है 2040 तक हम लगभग जो ये स्वच्छ ऊर्जा पर ज़्यादा निर्भरता होगी, जो वायु प्रदूषण या जो भी एनवायरमेंटल हजार्ड्स या पर्यावरण के लिए नुकसानदायक जो भी ईंधन है उनको हम धीरे धीरे समाप्त करना चाहते हैं, तो इंडिया के लिए जरूरी है इसका सदस्य बनना। यानी ये दूसरा, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको इस पर साइन करना ही पड़ता है एनपीटी का। तो देखें कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, केवल पहला सही है, और ऐसा ऑप्शन मुझे पहला ही दिख गया, ये केवल एक आंसर चला जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, पदार्थ अपने चारों ओर के दिक्काल को विकुंचित वार्प करता है। ध्यान देना सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत जो है उससे रिलेटेड आइंस्टीन की जो रिलेटिविटी की थ्योरी थी उससे संबंधित बातें। आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी बताती है कि प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है, और ऐसा हमने गुरुत्वीय तरंगों के साथ ऑब्जर्व भी किया। चाहे ब्लैक होल की परिघटना देखें, चाहे गुरुत्वीय तरंगों की बात करें, हमें ये लगातार पता चला कि प्रकाश पर गुरुत्व का प्रभाव पड़ता है। नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि लाइट रे हमें सीधी जाती हुई दिखाई देती है, लेकिन कुछ जगहों पर जहां ट्रेडिशनल फिजिक्स फेल हो जाती है जैसे ब्लैक होल, वहां पर ऐसी परिघटनाएं हमें दिखाई देती हैं। गुरुत्वीय तरंगे प्रभावित कर सकती हैं इन प्रकाश तरंगों को। और देखिए ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, एग्जैक्टली सापेक्षता का सिद्धांत यही कह रहा है कि ब्रह्मांड में लगातार प्रसार होता है, लगातार ये क्या होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। ये जो विभिन्न आकाशीय पिंड एक दूसरे से लगातार दूर जाते जा रहे हैं, यानी सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, पदार्थ अपने चारों ओर के दिक्काल को विकुंचित करता है। ये थोड़ा सा अलग स्टेटमेंट था जिसमें कई जने अनकंफर्टेबल हो, कुछ तो हिंदी भी ऐसे आएगा विकुंचित और कुछ वार्प। ध्यान देना 2018 में जब ये क्वेश्चन आया उसी समय गुरुत्वीय तरंगों वगैरह की बहुत चर्चा हो रही थी, और ये ग्रेविटेशनल वेव्स की कई क्वालिटीज हमें उस टाइम पता भी चली। लीगो ऑब्जर्वेटरी जो है वो हमने स्थापित की हुई है यूएसए में, और उसकी एक ब्रांच इंडिया में भी है, और यहीं से ऑब्जर्वेटरी से हमने इन गुरुत्वीय तरंगों को ऑब्जर्व किया, देखा इनको। तब हमें पता चला कि जैसे टाइम और स्पेस यानी स्थान और समय दोनों एक दूसरे से अलग किए जा सकते, और यहीं से ये बात निकला कराई कि भाई दिक्काल यानी स्पेस को परिवर्तित कर सकता है, और ये सापेक्षता के सिद्धांत में आइंस्टीन ने भी ये बात कही थी। हालांकि उस टाइम वो प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर पाए थे, लेकिन ये बात कहकर गए थे। और जैसे ही गुरुत्वीय तरंगों को हमने ऑब्जर्व किया तब ये सारी बातें सच होकर हमारे सामने आई, और उस समय ये लगातार चर्चा में रही थी, लगातार न्यूज में आ रहा था। यानी ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है, टाइम और स्पेस दोनों एक दूसरे को अल्टर कर सकते हैं, एक दूसरे से प्रभावित हो सकते हैं, अप्रभावित हुए भी रह सकते हैं। तो देखते हैं कि उपरोक्त में से अल्बर्ट आइंस्टीन, अभी बताया भी था कि अल्बर्ट आइंस्टीन के जो सापेक्षता का सिद्धांत था कि आपेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत का भविष्य कथन कौन सा सही है या है, जिनकी प्राय समाचार माध्यमों में अक्सर ये मैंने कहा ना न्यूज़पेपर में रहता था, क्योंकि उसी समय मैंने कहा ना ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व किया गया था पहली बार।
तो देखिए ऐसा मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि जिसमें तीनों सियारे यानी ये डी 1, 2 और 3। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत प्रकाश वोल्टीय इकाइयों के में प्रयोग में आने वाले सिलिकॉन वेफर्स का दुनिया का सबसे का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब इसको एक बात सुनना कि जो सोलर बैटरीज या सोलर पैनल्स होते हैं उनका निर्माण करने के लिए सबसे जो छोटी इकाई होती है जिसे कहते हैं सिलिकॉन वेफर कहते हैं, सिलिकॉन वेफर्स। इन सिलिकॉन वेफर्स से फिर आगे सोलर सेल या सोलर मॉड्यूल वगैरह का निर्माण होता है। यानी एक तरह से रॉ मटेरियल क्या है, सिलिकॉन वेफर्स क्या है, रॉ मटेरियल्स। और इंडिया को ये सोलर सेल बनते हैं इंडिया में, लेकिन इसके लिए जो रॉ मटेरियल है यानी ये सिलिकॉन वेफर्स ये इंपोर्ट करने पड़ते हैं। 2018 तक की बात बता रहा हूँ, ये हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। यानी इंडिया सिलिकॉन वेफर्स का उत्पादन नहीं करता, पहला स्टेटमेंट यही कह रहा है कि तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बात गलत थी। इंपोर्ट करने पड़ते सिलिकॉन वेफर्स, और जिनसे आगे हम क्या बनाते हैं, सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल, सोलर पैनल वगैरह बनाते। अगला हम देखते हैं, सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है। सौर ऊर्जा का निर्धारण जो सेंट्रल इलेक्ट्रिकल रेगुलेटरी कमीशन है, या स्टेट में भी बात करें स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन होते हैं चाहे सेंटर का चाहे स्टेट का, सौर ऊर्जा के शुल्कों का निर्धारण वे करते हैं, ये ऊर्जा निगम नहीं करता। यानी ये दूसरा ऑप्शन बी क्या है, गलत है। तो पूछा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, यानी आंसर क्या जाएगा इसका, डी। तो ये हमने 2018 के पीटी प्रीलिम्स में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी या इसके अराउंड से जो भी क्वेश्चन आए इनमें देखा, ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपने क्या देखा, हाल ही में समाचार पत्रों में रहे या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशंस हैं उन पर चर्चा की गई। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ज़्यादातर क्वेश्चन बनने का जो क्षेत्र रहता है, जो फील्ड रहता है, उनके एप्लीकेशन अनुप्रयोगों पर रहता है, उन पर खास तौर से ध्यान देना है। तो बाकी बात करेंगे और भी आने वाले पेपर्स को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।